इंदौर से एक और बड़ी खबर है, जहां पर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई है। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। एक युवक की दुखद मौत हुई है, चार लोग जख्मी हुए हैं, वो अस्पताल में उपचाराधीन है और दो पक्षों में ये विवाद हुआ है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। छोटी ग्वाटोली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई है और इस झड़प में एक शख्स की दुखद मौत हुई है, चार लोग जख्मी हुए हैं। तस्वीरें हम आपको घटनास्थल की दिखा रहे हैं। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। हेमंत शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। हेमंत, देखिए दो पक्षों में हिंसक झड़प, एक की मौत, कई लोग जख्मी हुए हैं, वजह क्या थी? हाँ देखिए, दो पक्षों में पुराना विवाद है, पुरानी रंजिश ये चली आ रही है। एक साल से लगभग इनके बीच में 6 बार से ज्यादा बार विवाद हो चुके हैं और इस बार दीपावली की रात को विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर हथियार और डंडों से हमला कर दिया, जिसमें मौके पर बीच में आए जगवीर चौधरी की मौत हो गई। इसके साथ ही जगवीर चौधरी के जो चार परिजन है, इसमें दो भतीजी और एक उनके चाचा जो गंभीर रूप से घायल हुए, जिनको उपचार के लिए एमवाईएच अस्पताल भिजवाया गया था। एमवाईएच अस्पताल में उपचार के दौरान दोनों पक्ष आमने सामने हुए और जमकर यहाँ पर भी उत्पात मचाया। हॉस्पिटल में तोड़फोड़ भी की गई है और इसी दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर यहाँ पर भी पिस्टल निकाल ली थी। बीच बचाव में पुलिसकर्मी यहाँ पर आए थे, पुलिसकर्मियों ने जब बीच बचाव किया तो उनसे भी यहाँ पर दोनों ही पक्षों ने झड़प की है। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच वो शुरू कर दी है। दोनों ही पक्षों से पूछताछ लगातार की जा रही है और अब जल्द पुलिस इसमें आरोपी को गिरफ्तार करेगी। जी ठीक है हेमंत, डिटेल से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।